क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, जो भी हमें ये इंटीजर्स दिए गए हैं, मतलब तीन क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स दी गई हैं, किसकी मदद से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से। ठीक है, तो फर्स्ट से शुरू करते हैं। मैंने पहले लिख लिया यहाँ पर, फर्स्ट 12, 15 और 21 हमें दे रखा है। तो सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। इनके प्राइम फैक्टर्स में इनके सामने लिखूंगा प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो सबसे पहले आ रहा है 12 के प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं यहाँ पर। इसे करेंगे हम 2 से, 2 के टेबल में 12 कब आता है? 6 पर। फिर से करेंगे 2 से, 2 3 हो जाएगा 6, और अब 3 2 के टेबल में आता नहीं है, तो 3 1 3 2 12 के जो प्राइम फैक्टर्स हो गए वो हो गए 2 मल्टीप्लाई में 3, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 3। यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई में 2 क्या हो गया? 2 का स्क्वायर। इसी तरह करेंगे 15 के फैक्टर्स, 15 के फैक्टर्स क्या होंगे? 3 5 ज़ा 15। ठीक है, और फिर 5 1 ज़ा 5, तो 15 के फैक्टर्स क्या हो गए? 3 मल्टीप्लाई में 5। इसी तरह से 21 के फैक्टर्स करेंगे, 21 को करेंगे हम 3 से, 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7, तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए? 3 मल्टीप्लाई में 7। हमें निकालना है HCF और LCM, दोनों चीज़ें निकालनी है हमें। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं HCF। HCF में क्या निकालना होता है? हमें कॉमन चीज़ें निकालनी होती है। ठीक है, तो कॉमन इसमें 2 है, इन दोनों में 2 नहीं है, तो कॉमन चीज क्या आ जाएगी हमारी? 3 आ रहा है, सब में 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 3 इसमें भी है और यहाँ पर भी है, तो 3 HCF क्या हो गया हमारा? 3 के अलावा और कोई चीज हमारी यहाँ पर कॉमन नहीं आ रही, तो HCF हो गया 3। हम निकाल लेते हैं LCM क्या होता है? जो हाईएस्ट पावर, सभी में से हाईएस्ट पावर निकालेंगे, तो 2 की हाईएस्ट पावर 2 का स्क्वायर, 3 की हाईएस्ट पावर, इसमें भी 3 एक बार है, इसमें भी एक बार है, इसमें भी एक बार है, तो कोई भी 3 लिख लें, एक कोई सा भी हमें लिखना पड़ेगा, तो 3 आ गया। उसके बाद 5 आ रहा है, 5 की हाईएस्ट पावर 5, मतलब यही है, और 7 की हाईएस्ट पावर यही है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5 मल्टीप्लाई में 7, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर होता है 4 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 7। इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, तो हमारा आंसर आएगा 420। ठीक है, 420 मल्टीप्लाई करने पर 4 3 ज़ा 12 5 ज़ा 60 मल्टीप्लाई में 67 ज़ा 420। तो HCF आ गया हमारा 3 और LCM आ गया 420। अब सेकंड क्वेश्चन करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इसे करना पड़ेगा रब, नहीं तो सेकंड बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। अभी मेरी नज़र पड़ी उस तरफ, नज़र मतलब अभी मैंने इसे देखा तो बिल्कुल इजी है। ठीक है, तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं हम। ठीक है, सेकंड यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा, फर्स्ट आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं वीडियो को रिज्यूम करके। सेकंड पर, सेकंड में हमें 17 के प्राइम फैक्टर्स करने हैं, 23 के प्राइम फैक्टर्स करने हैं और 29 के प्राइम फैक्टर्स करने हैं। उससे पहले आपको बता दूं, प्राइम फैक्टर करने से पहले, मतलब ऐसा टेबल बनाने से पहले आपको बता दूं कि 17 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? इसके फैक्टर्स यही होंगे, 17 का फैक्टर सिर्फ 17 ही होता है, मतलब 17 होता है और 1 होता है। इसी तरह से 23 का फैक्टर क्या होता है? 23 और 1, 29 और 1, मतलब जो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं ना, प्राइम नंबर के सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, या तो वो खुद होता है या 1 होता है। ठीक है, तो इनके प्राइम फैक्टर्स मैंने यहाँ पर लिख दिए। अब निकालेंगे HCF क्या होगा? जो इनमें कॉमन आ रहा है, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, अगर हम 1 नहीं लिखेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। अगर किसी में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो उसका HCF क्या होगा? 1। ठीक है, HCF आ गया, LCM देख लेते हैं। LCM क्या होगा? हाईएस्ट पावर लेके चलेंगे, 17 की हाईएस्ट पावर यहीं पर है, 23 की हाईएस्ट पावर यहीं पर है, 29 की हाईएस्ट पावर यहीं पर है, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो LCM आएगा, तो ये आ जाएगा 17 मल्टीप्लाई में 23 मल्टीप्लाई में 29। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वो आएगा 11,339, तो 11,339 LCM हो जाएगा हमारा ये, और HCF हो जाएगा। थर्ड को देख लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, थर्ड के लिए मुझे अब रब करना पड़ेगा, तो आप नोट डाउन कर लीजिए या वीडियो को अभी रिज्यूम कर लीजिए नोट डाउन करने के लिए।
थर्ड में हमें क्या करना है, 8, 9 और 25 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सिंपल वही प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड अपनाएंगे और इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल देंगे। तो इसे लिख लेते हैं, यहाँ पर ये थर्ड लिख दिया है। थर्ड का 8 के क्या फैक्टर्स होंगे, 9 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे और 25 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे। आप जरूरी नहीं है कि ऐसा टेबल बना के ही प्राइम फैक्टर्स निकालें, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। जैसे आपको अगर पता है 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2। ये तो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं आता, तो बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है। तो 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 8 को करेंगे हम 2 से, 2 4 8, फिर से 2 से करेंगे 2 2 4, फिर से 2 से 2 1 2। तो 8 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2। इसी तरह से 9 के फैक्टर्स क्या होंगे, 3 3 9 और 3 1 3। 9 के फैक्टर्स हो गए 3 मल्टीप्लाई में 3। और 25 के फैक्टर्स क्या होंगे, 25 के फैक्टर्स होंगे 5 से करेंगे इसे, 5 5 25 और फिर से 5 5 1 5। तो 25 के फैक्टर्स हो गए 5 मल्टीप्लाई में 5। एचसीएफ निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो एचसीएफ क्या होगा, 2 इसमें है और किसी में नहीं है, 3 इसमें है और किसी में नहीं है, 5 इसमें है ऊपर वालों में नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। मतलब इनमें अगर किसी में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा हो तो एचसीएफ क्या होगा, 1, ठीक है। और एलसीएम क्या होगा, मतलब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2, 2 की पावर 3। 3 मल्टीप्लाई में 3 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3। और 5 मल्टीप्लाई में 5 को लिख सकते हैं हम 5 की पावर 2। और ये 3 मल्टीप्लाई में 3, ये 3 का पावर 2 होगा, ठीक है। ऊपर मैंने मिस्टेक ली, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गई, 3 की पावर 2 होगा ये। एलसीएम क्या होगा, हाईएस्ट पावर लेके चलेंगे, 2 की हाईएस्ट पावर कहाँ पर है, यहाँ पर है 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 3 की हाईएस्ट पावर कहाँ पर है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में, यहाँ पर 5 की हाईएस्ट पावर है तो 5 का स्क्वायर। सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 मल्टीप्लाई में 3 का स्क्वायर होता है 9 मल्टीप्लाई में 5 का स्क्वायर होता है 25। मतलब हमारे वही नंबर्स आ गए, 8, 9 और 25। मतलब अगर किसी में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो उनका एलसीएम क्या होगा, उन नंबर्स का ही मल्टीपल, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो 8, 9 और 25 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1800, मतलब 1800, ठीक है। एलसीएम आ गया हमारा 1800 और एचसीएफ आ गया 1। तीनों क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको नोट डाउन करने हैं तो वीडियो में बैक जा सकते हैं या अपने खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब अगली वीडियो में आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।